कि वंडरशेयर फिल्मोरा के अंदर आप फ़ोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं और मैं चाहता हूं कि उसको मिला करके मैं एक वीडियो बना लूं, तो वो आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ़ोटो को इंसर्ट कर लेना है, जो भी फ़ोटोज़ आपके पास है। तो मैं अभी यहाँ पर 5 फ़ोटोज़ को मिला करके एक छोटी सी क्लिप बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ब्लैंक एरिया पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आप जहाँ कहीं भी आपका फ़ोटो पड़े हुए हैं उस वहाँ से उसको इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद में ठीक है, हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे आ गई हैं और मैं इसको इंसर्ट करूँगा। ये ध्यान रहे कि जो फ़ोटो का रेशियो है वो आपका कैसा है, लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर लैंडस्केप है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर पोर्ट्रेट में वीडियो बना रहे हैं तो वो भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये जो है अभी यहाँ पे जो फ़ोटोज़ है ये लैंडस्केप में है, ठीक है। तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से और इन सबको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। टाइमलाइन में हमारी फ़ोटोज़ आ चुकी है और मैं यहाँ से टाइमलाइन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। आप यहाँ भी कर्सर रख के इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में ट्रैक को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, आपको दिखाई दे कि आप कौन सी क्लिप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइमलाइन को इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि लैंडस्केप में हैं और ये मोबाइल के लिए ये सही है, लेकिन अगर आप पीसी वगैरह में चलाना चाहते हैं तो आपको इसको लैंडस्केप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको बड़ा भी कर सकता हूँ और इसको फुल प्रीव्यू आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको ड्रैग करना है सिंपल सा, ठीक है। इसी तरह से आपको सारी फ़ोटो को, अगर आपकी फ़ोटो पोर्ट्रेट में है तो आप उसको लैंडस्केप में सेट कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 5 फ़ोटोज़ सेट कर लिया है, जो लैंड जो पोर्ट्रेट में थी मैंने लैंडस्केप में इसको सेट कर लिया है, यानी फुल प्रीव्यू में यहाँ पे सेट कर लिया है। और उसके बाद में अब आपको कुछ करना नहीं है, ये सारे फ़ोटोज़ एक में हो चुके हैं और इसका जो वीडियो है उसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो निकल आएगी। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले आप कुछ इसको अच्छा बना लीजिए, तो इसमें ट्रांजेक्शन डाल दीजिए, आप इसमें इफ़ेक्ट डाल दीजिए, आप इसमें एलिमेंट्स लगा दीजिए या भी कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लीजिए। तो इसकी मैं आगे बात करूँगा कि कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका जो है ट्रांजेक्शन लगा के इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, देखिए बीच में आपको ला के छोड़ देना है इस तरह से। और इसका प्रीव्यू अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, जैसे मैं प्ले करता हूँ इसको, ठीक है, ये देखिए इस तरह से इफ़ेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला इफ़ेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं दूसरे वाले फ़ोटो पे, इस तरह से बीच में, और ये वाला इफ़ेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये वाला इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे लगा दिया सारे फ़ोटोज़ पे और उसके बाद मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जो इसका फाइनल आउटपुट आएगा वो आपको वीडियो के अंदर आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और इसका यहाँ पे कोई नाम दे देना है, फोटो टू वीडियो, ठीक है। और आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं यहाँ से लोकेशन आप सेट कर लीजिए। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे। उसके बाद सेटिंग यहाँ पे आ जाता है, तो डिवाइस में भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, यूट्यूब पर डायरेक्ट भी इसको शेयर कर सकते हैं।
और इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जी फॉर्मेट, MP3 और भी बहुत सारे वीडियो ऑडियो के फॉर्मेट हैं यहाँ पे, इसमें आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ कुछ क्वालिटी की सेटिंग आती है, गुड, बेटर, बेस्ट, और तो यहाँ पे ज़्यादातर गुड पे ही क्लिक रहने दें, क्योंकि जो फाइल होती है बहुत ही हैवी हो जाती है। तो अगर आप कोई अच्छी कंपनी के लिए बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी वीडियो आपको क्वालिटी चाहिए तो आप बेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, वरना ऐसे नॉर्मल अगर वीडियो बना रहे हैं तो आप गुड पे ही रहने दें, उसमें भी अच्छी क्वालिटी रहती है, ठीक है। हम लोग रिकॉर्डिंग के दौरान यही गुड वाला ऑप्शन को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिजोल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है आपको, तो रेजोल्यूशन जो है 1280x720 के नीचे आप यूज कर सकते हैं, इसके नीचे अगर आप आ जाएंगे तो बहुत ही लो क्वालिटी हो जाएगी, वीडियो जो है आपको ब्लर दिखेगी, ठीक है। तो इसके नीचे भी आप ये वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर 1280x720 1080 ये वाला ऑप्शन ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूं और यहां से इसको एज इट इज़ रहने देना है और यहां से ओके कर देना है, ठीक है। और अब मैं यहां पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूं, जो वीडियो है वो डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। वीडियो का प्रीव्यू आप देख सकते हैं, जो वीडियो थी यहां पे एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं यहां से इसको क्लोज करता हूं और यहां से इसको कट कर देता हूं और इसको मिनिमाइज करता हूं। उसके बाद डेस्कटॉप पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो टू वीडियो, और ये जो है 25 सेकंड का इसकी जो लेंथ है 25 सेकंड की है, और इसका जो साइज़ है MB में 15.8 MB की जो साइज़ है इसकी बन चुकी है। और इसको मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे, फाइनल आउटपुट जो है इसका, इस वीडियो का फाइनल आउटपुट है। और ये फ़ोटो जो है पोर्ट्रेट में थी, मैं इसको लैंडस्केप में किया, ये गलती से बैक में फ़ोटो रह गई थी, वही फ़ोटो है ये। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप फ़ोटो को जोड़ करके एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं, उसमें ट्रांजिशन लगा सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं।